स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सीएमआई के इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी गरिमावान शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज पहुंच गई होगी आप लोग तक। सीएफआई के जैसे आपने कहा सर, झारखंड की समस्याओं को बताया, अपने लॉकडाउन को बताया, हमको तो यहाँ मंच पर बैठे बैठे सीएफआई का सबसे बड़ा चीज यही नहीं दिया कि कम से कम एक मौका तो दिया हम सबको आपस में मिलने का, वरना काम नहीं था शायद ही हम लोग आपसे आपस में। अब देखिए, शिक्षक समाज जो है वो पूरी दुनिया को जोड़ता है, और ये कितना अजीब चीज है कि यहाँ हम सब आपस में नहीं जुड़े। कम से कम एक मंच पे जुड़ने को मौका दिया, यही सबसे बड़ा बात है। हम जब एक साथ जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई मार्गदर्शन की, हमारे लिए हर एक व्यक्ति के पास अपनी विचारधाराएं हैं। हर व्यक्ति आपस में बैठ के यहाँ एक संगठन में बैठ के किसी न किसी सोल्यूशन पे जरूर पहुंचेगा, चाहे वो कोरोना का लॉकडाउन। देखिए, शिक्षक पूरी कहा जाता है कि जैसे अभी किसी सर आपने बताया कि सर कि दरोगा बोल रहा था कि हमारे में काबिलियत था, हम बन गए, तुम्हारे में नहीं था तो तुम टीचर बन गए। वो दरोगा हम गारंटी करते हैं वो फर्जी हुआ होगा, सोर्स पैलेस में पैसा दरोगा की जहां जहां पोस्टिंग हुई होगी वहां की उतनी जनसंख्या नहीं होगी जितनों को हम पढ़ा दिए। शिक्षक और कला खुद अपने जगह पर रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं, जिस दिन ये मंजिल पहुंचने लगे ऐसे लोगों को एक करते हैं कि थोड़ा मर्यादा में रहते देखे कि बिकॉज टीचिंग इज अ प्रोफेशन, दिस टीचर एवरी प्रोफेशन। दुनिया का कोई व्यक्ति बिना शिक्षक के बन ही नहीं सकता है। आपको अगर बिना शिक्षक जीवन देखना है, बिना शिक्षा जीवन देखना है, तो आपने घर बनाइए जिसमें एक भी खिड़की मत दीजिए, फिर देखिए घर वही गुलाम हो जाएगा, तो ऐसे ही आपकी जीवन हो जाएगा। कहा भी जाता है कि आप एक शिक्षक का हाथ पकड़ के चलिए, जिंदगी में किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये गवर्नमेंट को भी बात सोचना चाहिए कि देखिए टीचर के साथ एक बड़ी मजबूरी हो जाती है, उसका एक लेवल है, क्योंकि जरा भूखे मर जाएगा लेकिन उस लेवल से नीचे वो काम नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी समस्या है उसके। इसमें सबसे ज्यादा लॉकडाउन में पिछा पर मीडियम पास कर, जो नीचे तबके का था वो तो लगा लिया अपना, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा दिया, किसी का ठेले की दुकान है, चाय की दुकान है, सब पीछे थे, लेकिन चोरी छूटे कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। लेकिन एक टीचर क्या करेगा, वो हर काम नहीं कर सकता है, तो गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए। अब हमको बड़ा एक हासिला पर लगा कि वैसे कोचिंग संस्थान जिनको भूखमरी भी नौ होता है, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए थे कि आपको क्लास में इतने लड़के रखने हैं, उन बेचारे की क्लास में पहले से उतनी ही कैपेसिटी थी। अरे भाई, कम से कम उसको तो चलाने दो भाई। ये दिखाता है कि सरकार किस तरह से शिक्षा को, जो सरकार को सलाह देने वाले की सरकार खुद नहीं आती काम करने। सीधी सी बात है, हमारे आप जैसे पढ़ाए हुए लड़कों के विद्यार्थी जाते हैं जो वहां जाके सचिव बनते हैं, तो ये दिखाता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड उनका जो सर्वेक्षण था कितना गलत था। सरकार कह रही है क्लास में 50 लड़के रहने चाहिए। भाई, यहाँ ऐसे ऐसे शिक्षक है जो 50 लड़के टारगेट लेके चलते हैं कि हमारे बैच में हो रहा है। इसमें हंसने की कोई बात नहीं। देखिए, हमने भी अपनी जब शिक्षा चालू किया था तो 6 लड़के, हम 6 लड़कों से चालू किए थे और बिहार की धरती को चुना था हमने, क्योंकि हमको पता था बिहार के बारे में कि यहाँ पे हमला करने आया था सिकंदर को, लाख खा के चला गया था। महात्मा गांधी को भी जब सफल होना था तो चंपारण को चुना था, महात्मा गांधी को ज्ञान नहीं से मिला, महात्मा बुद्ध भी सार रात में तपस्या कर रहे थे लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो यही आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की धरती यही है, अशोक सम्राट की धरती यही है, इसलिए हमने भी यही इसी जगह पर चुना था यहाँ पर, और हम 6 लड़कों से चालू किए थे। धीरे धीरे कोचिंग आगे बढ़ती गई धीरे धीरे, और यहाँ से बहुत सारे मकान मालिक का एक अलग झमेला होता है जिस पर हम लोग चर्चा ही नहीं किए हैं। अगर आपके मकान में 8-10 कोचिंग है ना, तो फिर मकान मालिक का राज है, क्योंकि टीचर के अंदर एक ईगो आ जाता है, मतलब हम बड़े हम छोटे ही, तो सबसे गलत बात है। आप बड़े छोटे कोच है, आपके लिए महात्मा गांधी अलग से जन्म लेंगे, आप बड़का टीचर है तो आप उनका अलग से इतिहास बनाएंगे। मेरे कोचिंग में बम चला,
देखिए जात धर्म कुछ होता नहीं है, सब आप शिक्षा में लोगों को ये तो भाषण है कि हमारा और आपका संवाद भाषण देते थे क्या लोग भी हैं। बहुत कम मौका मिलता है जब हम आपसी भाइयों के साथ मिलकर एक संवाद करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो हमको लगा कि शायद लोग आएंगे हमारे साथ, उस समय सीएफआई जैसे कोई संगठन नहीं थे, तो हमें लगा कि कोई कम से कम सांत्वना तो देने आएगा। पता चला हमारे कैंपस में 17 कुछ, जिस दिन बम पटकाया 17 बंद करके भाग गया सब। हर देखिए सुबह 9:30 बजे मेरे कोचिंग में बम चला और शाम की इवनिंग बैच में केवल मेरी कोचिंग खुली थी, बाकी सबकी बंद थी। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक बुरा दिन आता है। जब भगवान बहुत तकलीफ देने लगे, जब धनुष बहुत तेज खींची जाती है ना, तो समझिए तीर बहुत आगे जाए। तो कहीं ना कहीं ये आपदा भी हमें अवसर में बदलना है, इसका एक ही रास्ता है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, सरकार को नहीं बताएंगे। देखिए टीचर्स में भी एक लेवल है, लॉकडाउन में ज्यादातर किसान मीडियम एवरेज लेवल का टीचर जिनके पास तैयारी भी नहीं थी ऑनलाइन की। अब ऑनलाइन क्या होता है, हर देखिए हम आपको बताते हैं। लोग हमको यूट्यूब पर, जैसे सर ने बताया यूट्यूब पर हमको बहुत लोग जानते हैं, हम आज भी फेसबुक चलाना नहीं जानते हैं। और उस व्यक्ति के आगे लॉकडाउन था, हम मजबूरी में हमको पता ही नहीं चलता था, हम दोस्तों से पूछ के करते थे। आज तक हम लाइव कैसे जाया जाता है नहीं पता है, कोई व्यक्ति बोल दे कि आपको लाइव कभी देखा है, नहीं पता हमको। सोचिए वो शिक्षक फुर्सत कहां मिला है टीचर को, यहाँ पे हम आप लोग से नहीं करते, बहुत सारे सीनियर टीचर जैसे आप लोग नहीं जानते होंगे फेसबुक यूट्यूब को कैसे लाइक करना। अब बेचारा उसके सामने आप कहेंगे कि डिजिटल हो जाइए, बहुत अच्छा भैया डिजिटल हो जाइए, रेडियो डिजिटल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक चीज को आप इस तरह से करेंगे गलत बात। सरकार को यही कहते हैं कि कोचिंग संस्थाएं केवल इसीलिए जीवित है क्योंकि बच्चा जब अपने स्कूल लाइफ में था तो सरकारी टीचर ने उसे ईमानदारी से नहीं पढ़ाया। सरकारी पैसे पे चल रहे ये लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि ईमानदारी से शिक्षा पढ़ाए, तो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग हमें शिक्षा माफिया कहते हैं, तो हम तो शिक्षा के क्षेत्र के आतंकवादी हैं। हमें जाना किसने दिया, हम क्या गए हैं? आप बताइए, लड़का को मैट्रिक करना जरूरी है और पढ़ता है तो सर्टिफिकेट मिलता है, मिलता भी नहीं मिलता। इंटर पढ़ता तो सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है, किसी कोचिंग में सर्टिफिकेट मिलता है नहीं, वो मजबूरी में आया है क्योंकि उसके शिक्षकों ने उसे धोखा दिया। अब उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने धोखा दिया है, स्कूल कॉलेज बंद, उनकी सैलरी आ गई। मर कौन रहा है जो ईमानदारी से पढ़ा है? कोचिंग टीचर तब तक ही पढ़ा सकता है जब तक वो अपनी आखिरी सांस तक अपने आप को अपडेट नहीं करता है। आप आज पढ़ाने जाइएगा, आज आप अपडेट कीजिएगा। आप किसी प्राइवेट टीचर को कोचिंग संस्था में देखिएगा, जो 2 साल पहले नोट्स पढ़ाया था वो इस साल में नहीं मिलेगा, 2021 में पढ़ाएगा, उससे अपडेट मिलेगा 2022 में आपको। लेकिन भाई साहब हम देखिए सरकारी स्कूल में, आप जिस टीचर से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना, आपका बेटा भी अगर आगे जाकर पढ़ेगा तो वही नोट्स होगा। शिक्षा माफिया हमने कहा, इससे गलत आप क्या कह सकते हैं? ये क्यों? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है। किसके सामने जाके आप कहिए? आखिर एक मंच भी तो होना चाहिए जो आप लोग को एक पास ला के देख सके। तो ये बहुत बड़ा मुहिम है, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं सीएफआई के साथ सारे कोर कमेटी का, जिन्होंने एक मौका तो दिया कम से कम बिहार झारखंड के इस शिक्षा को एक जगह लाने के लिए, जहां से हम लोग एक दूसरे को सहयोग कर सकें। देखिए इसमें भी बारिश जब होती है तो हम कभी भी बारिश नहीं रोक सकते, हम छाता लगाते हैं और वही इस समय भी करेंगे, करना पड़े। जैसे कानूनी लड़ाई है, जब तक कानूनी लड़ाई आते आते तब तक मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन हो चुका है, जो हकीकत निर्भया का पूरी दुनिया में देखा 2012 में कितना जघन्य अपराध था, बलात्कार करके उसका जान ले लिया गया, उसको फांसी लगाते लगाते आप 8 साल ला दिए 2020 में, 2005 हम लोगों ने याद दिला दिया, हमको तो लगता है बढ़ोतरी भी मिलेगा। धीरे से मिला न्याय अन्याय से ज्यादा खतरनाक होता है, जिस पर कोई नहीं सोचता है, कहां जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से गवर्नमेंट को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि जो एवरेज टीचर है उनके कम से कम जीविका को मत छीनिए, क्योंकि उन टीचरों को दिल पे हाथ रख के बताइए आपके लिए कोरोना से ज्यादा घातक लॉकडाउन है कि नहीं, एकदम ये हकीकत है। कहां जाएंगे बेचारे को, किससे कहेंगे उनको? कोई एक समाज एक अलग दृष्टि से देखती है आदमी, हमारी सनातन संस्कृति रही,
हम लोग में हमेशा कहा जाता है कि भैया गुरु गोविंद तो गोविंद भगवान से तुलना करते हैं तो वो कहीं जाएगा भी लोग तो वो बेचारा रोएगा भी तो लगता है नहीं गलत हो रहा है सोसाइटी करने की नौबत आ गई है। तो इस पे एक गवर्नमेंट पुनर्विचार करे कि हम ये नहीं करें कि सारे कुछ इसको खोल दें। जैसे इवन देखिए हम खुद कर रहे हैं, हम आप लोग के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम कहते हैं चलो भैया हम तो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो टीचर तैयार नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने में वो कहां जाएगा? ऐसे दो दिन में तो आप ऑनलाइन का सेटअप नहीं लगा सकते, वो भी हम इस लॉकडाउन के लिए। तो गवर्नमेंट को एक फिक्स खुद मांग करते हैं यहाँ से कि एक फिक्स कर दे कि भैया कम से कम 50-60 लड़कों को भी पढ़ाते दिए, ताकि जो लड़के हैं उनकी पढ़ाई भी न रुके, वो 50 पढ़ते जाए और घर पे 50 को पढ़ाते, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे और शिक्षा का भी अपना जो टीचर्स है उनका उनके लिए भी एक दयनीय परिस्थिति ना। अब संगठित नहीं रहेंगे तो बहुत ज्यादा समस्या आ जाता है।